देखिए बाबू, आप लोग को आप लोग जब एग्जाम देंगे ना अकाउंट्स का, तो अकाउंट्स में देखिए क्या करेंगे। जैसे हिंदी इंग्लिश का जो पेपर आप किए हैं, हिंदी इंग्लिश का पेपर में आप देखे होंगे कि पूरा पेपर जो है ईयरली वाला कॉमन आता है, जबकि लैंग्वेज में कॉमन पेपर नहीं आता है। तो कॉमन पेपर आने का मतलब क्या है कि आपका ईयरली पेपर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो आपको अकाउंट्स में क्या क्या करके जाना है, पूरा का पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करके आप पाएंगे, पूरा का पूरा लिख पाएंगे। उसके लिए आप क्या करिएगा, देखिए उसके लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा कि आपको हम सम्स भेजे, सम्स सजेस्टेड पीडीएफ बना बना के आपको हम सम्स भेजे, जिसमें 5 साल का पेपर है और भी 2-3 एक्स्ट्रा सम्स है, वो सारे सम्स में उतना ही करेंगे। तो सम्स वाला पार्ट कवर हो गया। अब उसके बाद थ्योरी वाला पार्ट में क्या करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट में 3 प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे। पहला लिस्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, ईयरली क्वेश्चन थ्योरी, जो ईयरली क्वेश्चन है ना उसका थ्योरी पहले करिएगा। जैसे आपका 2019, 18, 17, 16, 15 ये थ्योरी पहले कर लीजिएगा। और उस थ्योरी को करने के बाद पहले थ्योरी कर लीजिएगा 5 साल वाला, ये वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद करिएगा बीबी कुंडू का मॉडल पेपर, 7-8-9 मॉडल पेपर है, सारा मॉडल पेपर करवाया हुआ है, उसको याद करिएगा। सेकंड टाइम पहले 5 ईयर कंप्लीट करिएगा, फिर मॉडल पेपर को करिएगा और वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बीबी कुंडू का सजेशन दिया हुआ है उसको रिवाइज करके बस एग्जाम देने चले जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा पेपर 80 मार्क्स का 80 मार्क्स इसके अंदर से रहेगा, जितना आपको बोल रहे। सम्स के लिए क्या करना है, सम्स के लिए हम लोग आपको पीडीएफ बना के भेजते ना, सजेस्टेड सम्स, वो वाला सम्स को ही प्रैक्टिस करके आएंगे। बस इतना ही करिए, क्योंकि आपने हिंदी इंग्लिश में भी देखा होगा बहुत ज्यादा करने के चक्कर में जो मेन पार्ट है उसको आप छोड़ देते हो, इसीलिए इतना को आपको कंप्लीट करके आना, ओनली फॉर द अकाउंट्स, ठीक है। अगला दिन फिर आपको हम इकोनॉमिक्स का बताएंगे, इकोनॉमिक्स में क्या करना है, इतना आप करके जाइए, टाइम आपके पास इनफ है। और जिसका आंसर नहीं मिलेगा हमको व्हाट्सएप में मैसेज करिए, हम आपको बता दे रहे, ठीक है। आप समझ गए होंगे आप लोग शायद, थैंक यू।